हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मिस्टर आर के ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग? और अभी मैंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करी जो बहुत सही नहीं था, क्योंकि गाइस बहुत पहले मैंने टाइमर सेट रखा था 8 बजे का और अभी बज चुके हैं 8:08। प्रॉब्लम क्या था कि मैंने सोचा कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा इन द सेंस कि गाइस मैं कुछ ज़्यादा जल्दी में था, आज 8 बजे स्टार्ट करना है और मैंने सोचा कि स्ट्रीम लैब से करते हैं, बट प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रीम लैब ने धोखा दे दिया और बहुत बुरा उसका ऑडियो था। मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी लाइव मेरी सही चल रही है, तो दो लोग आ चुके हैं देखने के लिए। वेलकम बैक ऑन मिस्टर आर के ब्लॉग, और प्लीज़ आप चैटिंग में आके मुझे बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं। और गाइस जब 5 से 10 लोग हो जाते हैं तो हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं, और जस्ट मैंने 5 मिनट पहले दूसरा लाइव जो स्टार्ट किया था उसमें विकी आया हुआ था खेलने के लिए, बट गाइस आवाज़ उसकी क्लियर नहीं थी तो मैंने उसे चेंज कर दिया। और अभी हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब से लाइव कर रहे हैं, तो होप कि आप अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो गाइस आज भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं कल की तरह, ताकि जो भी गेम को खेले वो कुछ अमाउंट जीत के जाए। आज कुछ ज़्यादा ही येलो फिलो दिख रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि कुछ और लोग देखने के लिए आ जाएं, और लेट्स सी क्या चैटिंग चल रही है, किसी की चैटिंग है कि नहीं। लाइव चैट तो अभी किसी का मैसेज नहीं आया है, तो सबसे पहले मुझे एक मैसेज लिखना चाहिए। यार फ़ोन में बहुत दिक्कत होती है भाइयों, मैं टाइप कहाँ से करूँ, मेरे को दिख नहीं रहा है। सेव हाईलाइट, म्यूट माइक्रोफोन। सही है भैया, इतना कुछ दे रहे हो तो हम टाइप कैसे करें। ओ भाई साहब, देख रहे हो इसमें मतलब जूम करने का भी ऑप्शन है कि आप पूरा जूम कर सकते हो, और रिप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है फ़ोन में, इसीलिए पीसी थोड़ा कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। बट इट्स ओके, हम लोग यहाँ से करेंगे रिप्लाई इंस्टेंट मैंगो से। हेलो, तो इंस्टेंट मैंगो से रिप्लाई आ रहा है तो हम लोग इसी से रिप्लाई करने वाले हैं। इंस्टेंट मैंगो भी मेरा ही चैनल है आप लोग अगर नहीं जानते हो तो। तो अभी दो लोग देख रहे हैं, सो प्लीज़ चैट में आइए ताकि हम लोग गेम को और आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। राहुल गौतम आ चुके हैं देखने के लिए। हेलो राहुल भाई, कैसे हो आप? और 2 दिन से आपका पता नहीं चल रहा था, कहाँ गायब हो गए थे। और राहुल अभी क्या चल रहा है, मुंबई में क्या हालचाल है? एक्चुअली में मुंबई में बहुत सारे लोग आ गए थे रोड पे, तो कहीं उनमें से आप लोग भी तो नहीं थे मुंबई वालों? तो दोस्तों 4 लोग देख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग गेम को स्टार्ट करें। और अभी आ चुके हैं आशुतोष भाई जयपुर वालों, हम लोग इंडियन हैं, नो जयपुर, नो गोरखपुरी, नो दिल्ली वाले। क्या बोलते हैं भैया, बोलो जयपुर वाले, हम तो नहीं। कोई नहीं, अभी निकलना भी नहीं, जहाँ भी हो जैसे भी रहो अपने घर में पड़े रहो, और जैसे मूवी एंजॉय करते हैं हम लोग रोबोट 2.0, उसी तरह से इसको भी एंजॉय करते हैं लॉकडाउन को। तो अभी 4 लोग देख रहे हैं, तो अभी चैट में सारे लोग बता सकते हो वेटिंग फॉर 5 पीपल टू स्टार्ट द गेम। और सॉरी गाइस, आज मैं इतनी जल्दी में आया ना, मतलब
7:40 पे मैं ऑफिस का काम करके उठा और सारा काम जल्दी जल्दी में किया, और मैंने शर्ट भी सही से पहना नहीं है, मतलब उल्टा सीधा हो गया थोड़ा। अब तो दिल आ गया है लॉकडाउन पे। हाँ ये तो है, अभी आदत सी पड़ गई है हमें और पता नहीं चलता कि हम लोग वर्क कर रहे हैं, बट या वर्क कर रहे हैं। अभी इस बार किसी को आदत लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आदत में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब चाहे 15 दिन कर दें मोदी जी या 1 महीने कर दें। क्या लगता है वैसे, 3 मई के बाद और बढ़ने वाला है कि जस्ट फिनिश हो रहा है इसी पे? पंत पहने हो ना कि वह भूल गए सुबह 4 बजे सोना, 11 बजे उठना। नहीं भाई, हमारा ऐसे नहीं है, हम टाइम से सोते हैं। मेरा टाइमिंग जो है वो 11 से 12 बजे है, 11-12 बजे सोना है और सुबह उठना है। और तुम्हारा है सुबह 4 बजे सोना है, 11 बजे उठना है। वाह सही है। आजकल मेरे दोस्त सुमित को भी नींद नहीं आ रही है, वो भी नहीं सो पा रहा है रात में। वैसे यार रामकेश इज अ पंक्चुअल एट अ टाइम, सही बात है। सत्यम को पूरी तरह से मालूम होगा क्योंकि सत्यम हमारे साथ 3 सालों तक रहा है। मैं रूममेट था, ये भी सोता रहता था, 4 बजे 3 बजे सोता था और मैं अपने एग्जैक्ट टाइम 11 बजे सो जाता था। नहीं बस फिनिश मानो, 3 को लॉकडाउन। हाँ मान तो मैं भी रहा हूँ कोरोना वाले 10,000 के ऊपर चले गए हैं। अब देखो कंट्रोल में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग बहुत मिस करते हैं बाहर का समोसे मटर, यहाँ की जयपुर की कचौड़ी कुछ ज़्यादा ही फेमस है। और मैंने कुछ प्लान करा हुआ था यार कि राजस्थान में घूमना है। मैंने राजस्थान में जयपुर और पुष्कर, अजमेर के अलावा अभी कहीं नहीं घूमा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो, और तुम भी आने वाले थे यहाँ पे, प्लान कर रहे थे कि जयपुर आएंगे जयपुर आएंगे, आ भी नहीं पाए। 12759 ये क्या है सत्यम? ओ माय गॉड, समझ गया समझ गया। अरे मत पूछो, राजस्थान में तो भाई मेरे इस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ अभी कोई पेशेंट ऐसा नहीं मिला है। बट मेरा दोस्त है ऑफिस का, वहाँ पे बता रहा था कि वो चल रहे हैं सब, वहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। हाँ, 1104 हैं अकेले यहाँ पे, जयपुर में 500 के ऊपर है, 500 से 600 के आसपास। राजस्थान नहीं, जयपुर है और भीलवाड़ा है, पूरा राजस्थान नहीं है। हाँ कर्फ्यू तो लगा हुआ है, बट यहाँ पे हमारे साइड में नहीं लगा हुआ है, कुछ और एरिया हैं उनमें लगा हुआ है। भाई मेरी कॉलोनी सील है, एक SI मिले हैं, पुलिस वाले को हो चुका है वहाँ पे तुम्हारे कॉलोनी में। हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे, अभी 5 लोग हो गए हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं। सो गाइस सब लोग तैयार हो जाओ, और अभी 5 लोग हो गए हैं तो क्वेश्चन को पूछते हैं। और टाइमर यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ 20। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की खाड़ी भारत के किस भाग में है? बंगाल की खाड़ी भारत के किस भाग में है? योर टाइमर स्टार्ट नाउ। बंगाल की खाड़ी भारत के किस भाग में है? अच्युतम केशवम। सो गाइस टाइम अप हो चुके हैं 20 सेकेंड, और अभी किसी का ओके ओके सो अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया है। क्या सत्यम? श्रीलंका, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तुमने सही बताया आशुतोष, लेकिन क्या गलत बताया, गलत बताया तुमने भी आशुतोष, नॉर्थर्न ईस्टर्न। तुमने थोड़ा सा गलत कर दिया,
साउथ ईस्टर्न राइट आंसर होगा, उत्तरी पश्चिम भाग, अनुज द्वारा उत्तरी पश्चिम भाग, इंडियन ओशियन। नहीं, अभी किसी का आंसर सही नहीं है, राइट आंसर है दक्षिणी पूर्वी यानी कि साउथ ईस्ट। किसी ने कोई सही आंसर नहीं दिया है सारे लोगों ने, तो अगेन 4 लोग वॉच कर रहे हैं। आई नीड 5 पीपल टू आस्क क्वेश्चन, 5 लोग होते ही मेरे क्वेश्चन आगे आ जाएंगे। और गाइज अभी मैं चैट में देख रहा हूँ, सबने रिप्लाई किया हुआ है। पहले सत्यम का रिप्लाई आया है श्रीलंका, अनुज द्वास, अनुज द्वास आई थिंक पहली बार चैनल पे आ रहे हैं। क्यों अनुज, अनुज जी साउथ ईस्ट एशिया है ब्रो। हाँ यही है, अभी आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत बता दिया है। अनुज दास आई थिंक पहली बार आ रहे हैं फ्लू पर। ओ फ्लूपर में मैंने काम किया हुआ है, बट मुझे सच में आपका चेहरा नहीं याद आ रहा है, सॉरी फॉर दिस अनुज। मेरे को नाम भी सुना नहीं लग रहा है, पता नहीं आप किस टीम में थे अनुज जी फ्लूपर में। तो अगेन 5 लोग हो चुके हैं, मेरा अगला प्रश्न आ रहा है, ध्यान से खेलिएगा, आपके पास 20 सेकेंड है। देखो फिर से 4 लोग आ गए, आई नीड 5 पीपल टू स्टार्ट द गेम। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, टाइमर स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? टेस्टिंग। अच्छा, अनुज दास, मैं गौरव को जानता हूँ। गाइस टाइम अप, देखो मेरी घड़ी भी बोल रही है, 20 सेकेंड हो चुका है। देखते हैं किसी ने सही आंसर। श्वेत पत्र, आशुतोष का श्वेत पत्र राइट आंसर है। बट अभी आपका टाइम अप हो चुका है आशुतोष, सॉरी फॉर दिस। 20 सेकेंड का टाइम है और घंटी बजने के बाद आपने रिप्लाई किया हुआ है। आज मैंने टाइमर ऐसा रखा है क्योंकि कल ऐसे हो रहा था कि टाइमर खत्म हो जा रहा था और सब लोग आंसर दे रहे थे, तो मेरा उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि टाइमर चालू होता है और अप हो जाता है तो साउंड भी निकलती है। सो गाइज अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 20 सेकेंड टाइम होंगे आपके पास, जल्दी से रिप्लाई करना है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? योर टाइमर स्टार्ट नाउ। टाइमर स्टार्ट नाउ, टाइमर की वैल्यू क्या है? 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी घंटी बज गई है, अभी घंटी बज गई है। और गाइस इस बार भी तुमने 7 सेकंड पहले बताया है, ठीक है। प्रॉब्लम इज कि तुमने घंटी बजने के बाद बताया है आशुतोष सिंह, बट तुम्हारे साथ तीसरी बार ऐसा हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज नॉट गुड। एक्चुअली मैं यहाँ पे घंटी बजने के बाद आपका आंसर आया था, तो ठीक है हम लोग आपका नाम काउंट करते हैं क्योंकि आपने 3 बार आंसर दिया हुआ है और तीनों बार सही था। तो
आई थिंक आपको काउंट करना चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो गैस मैं ड्राइव खोल लेता हूँ ताकि आपका नाम मैं नोट डाउन कर सकूँ। और आज किसी ने कोई सही रिप्लाई नहीं दिया है। आशुतोष ने तीनों क्वेश्चन रिप्लाई दिया है, मतलब आशुतोष SSC की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और गैस अभी आप लोग 6 लोग देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ताकि और लोगों के पास पहुँचे। तो आशुतोष, इन्होंने 3 क्वेश्चन बताया, तीनों के तीनों आउट ऑफ टाइम थे, बट हम लोग इनका कंसीडर कर रहे हैं लास्ट वाला। लाइट मत जाना, लाइट मत जाना भाई, एम है सेकेंड। कोई नहीं, सो गाइस अगेन हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 6 लोग वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। टाइमर में सेट कर लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? योर टाइमर स्टार्ट नाउ। अभी इस बार सब लोग टाइम से देना क्योंकि मैं अभी टाइमर देख रहा हूँ। देखते हैं कौन रिप्लाई करता है, और मेरी घंटी बजने के बाद किसी का भी आया तो नो एक्सेप्शन। टाइम कितना हो गया? 3, 2, 1, 0। अभी टाइम अप हो चुका है। किसका आया आंसर? आया AFG। AFG बोले तो अफगानिस्तान। आशुतोष ने राइट आंसर दिया, बट इस बार आप टाइम के बाहर थे क्योंकि टाइमर का घंटी बज चुका था। और आई थिंक आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा जब घंटी बजता होगा तो यहाँ से। क्या बोलती है पब्लिक? दोनों ने सही आंसर करा हुआ है, बट दोनों का टाइम खत्म होने के बाद, 20 सेकेंड खत्म होने के बाद आया था। तो अगेन अभी 4 लोग देख रहे हैं। नीड 5 पीपल टू वॉच। राहुल गौतम ने अभी को रिप्लाई किया हुआ है, अफगानिस्तान। सबका राइट आंसर यही है, अफगानिस्तान। मतलब गूगल पे बहुत जल्दी मिल जा रहा है। कौन कौन गूगल पे सर्च करके बताया प्लीज? आई थिंक सब लोग सर्च करते हो गूगल पे। तो कल सी बोल रहा था कि टाइम 15 सेकेंड करना चाहिए। हेलो ड्रीम ट्रेवलर, वेलकम बैक ऑन मिस्टर आर के ब्लॉग लाइव। कहाँ थे आप? कल भी आपका पता नहीं चला, मिस्टर ड्रीम ट्रेवलर यानी कि दीप सिंह। और राहुल, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए थे, आपको मिले कि नहीं? मैंने 10 रुपीज़ ट्रांसफर किया था जिस दिन आपने जीता हुआ था। एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया था आपने, बहुत ही राइट आंसर था। तो गाइस 4 लोग देख रहे हैं। आई नीड 5 पीपल टू स्टार्ट। मामू बना रहे हो अबे बेटा, तुमको हर टाइम पे पैसा पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? सत्यम पहुंच जाता है ना, मामू नहीं बना रहे हो। लेकिन अगर टाइमर यहाँ पे हमारी वेबसाइट चल रही है, उस वेबसाइट पे अगर घंटी बज जाती है तो मुझे थोड़ा, मेरे पास भी पैरामीटर होना चाहिए ना। सब लोग मामू बना रहे हो। सो गाइस अगेन 7 पीपल देख रहे हैं, तो जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला प्रश्न मैं लेके आने वाला हूँ, और थोड़ा सा क्वेश्चन को कठिन करते हैं क्योंकि सारे लोग तुरंत आंसर दे रहे हो। सो दैट इज नॉट राइट आंसर। तो अगला प्रश्न आ रहा है, आज के प्रश्न कुछ ज्यादा छोटे लग रहे हैं यार। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बताना है आपको 5 ऐसी कंट्री का नाम बताइए जहां पे करेंसी रुपीज चलता है, रुपया चलता है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 5 कंट्री का नाम बताना है, लेट्स सी।
पांच कंट्री, टाइमर चल रहा है, टाइमर 9 8 7 6 5 4 3 1 0। सो गाइस टाइम अप हो चुका है और किसी का भी आंसर नहीं आया। अभी आया इनका इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। सो गाइस ड्रीम ट्रेवलर का राइट आंसर है, बट आई वांट टू से कि इनका आंसर आया 20 सेकेंड के बाद। सो आंसर सही है बट टाइम के अप होने के बाद इन्होंने रिप्लाई करा हुआ है। आई थिंक आप लोगों को घंटी सुनाई दे रही हुई है, यहाँ से घंटी बज गई थी फिर आपने रिप्लाई करा था। तो अगला प्रश्न आ रहा है, ध्यान से सुनिए, 20 सेकंड में रिप्लाई कीजिए। यहाँ पे घंटी चल रही है और उस चीज को मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, टाइमर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए, लेट मी शो यू 20 सेकेंड। और जब भी ये चलता है तो मुझे यहाँ ऊपर दिखता है कि कितना टाइमर चल रहा है। अब मैं देखता हूँ कि किसका उस टाइम पे अगर आ जाता है तो ठीक है, और ये चलते चलते इस तरह से घंटी हो जाता है। तो मैं मामू नहीं बना रहा, तो इस तरह से वर्क करता है। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और पांच लोग देख रहे हैं तो जल्दी से अगला प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। ओके, भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा? क्वेश्चन आ चुका है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताइए भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा? टाइम चल रहा है, जल्दी 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 जल्दी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो गाइस टाइम अप हो चुका है, सौरव राजा भारत के नाम पर, नहीं जी, भारत, भरत के नाम पे भारत रखा गया था। सौरव पहले आपका स्वागत है मिस्टर आर के ब्लॉग के लाइव पे, और भारत नाम भरत के रखा था जो शकुंतला के पुत्र थे। बट मेरा क्वेश्चन ये था, कि भारत का नाम हिंदुस्तान किन लोगों ने रखा था? तो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, मुगलों ने रखा था। तो आपको सही जवाब देना था, मुगलों ने रखा था। तो आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया, सबने बोला राजा भारत के नाम पे। सही बात है, भारत के नाम भरत के नाम पे रखा गया था, बट हिंदुस्तान पूछा गया था कि टाइम पर तुम्हारा न्यू चला चला जाता है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? अबे क्वेश्चन के टाइम पर तुम्हारा नाम चला जाता है, पता नहीं क्या बोल रहे, नहीं समझ आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर उसके बाद टाइमर स्टार्ट करता हूँ। अभी एक ही बंदे ने जीता हुआ है, बल्कि आज का क्वेश्चन कुछ ज्यादा। नेट चला जाता है, क्या बात कर रहे हो यार, तो गाइस मैं अगला प्रश्न पूछने वाला हूँ। वन सेकेंड वन सेकेंड, तो अभी चार लोग देख रहे हैं, नीड फाइव पीपल टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, काफी मजेदार क्वेश्चन है।
ये हिस्ट्री के ऊपर है। आई थिंक आप लोगों को बहुत पता होगा, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी। नेट चला जाता है, नेट नहीं जाता है, नेट तो सही चल रहा है, मेरे सामने भी लाइव चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ कि कैसा चल रहा है। तो गाइस अभी 4 लोग देख रहे हैं, जल्दी से 5 लोग आ जाएं, फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन पूछता हूँ। और क्वेश्चन ये होने वाला है हिस्ट्री के ऊपर। तो अभी आज सत्यम का एक भी क्वेश्चन ओपन नहीं हुआ है, और सौरव 2 दिन से आ रहा है, सौरव का भी एक भी नहीं है। अच्छा, नेटवर्क भी यार, नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? इस टाइम पे ऐसे ही होता है यार, रात में जब भी करो तो नेटवर्क चला जाता है। अभी सही है कि नहीं? आज तो ठीक चल रहा है। अरे नहीं यार, मोटे नहीं हो गया हूँ मैं, पास से देखने पे ऐसे लग रहा है। अभी मैं ऐसे कैमरे के सामने नजदीक बैठा हूँ, इसलिए। एक नए सर आए थे, अच्छा, फ्लूपर से, नाम मुझे याद नहीं आ रहा था उनका। अभी लाइव सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं अगला क्वेश्चन पूछ लूँ? शर्ट खोल के दिखाओ तो पता चलेगा। भाई यूट्यूब की जो लाइव चल रही है ना, वो तुरंत बंद हो जाएगी और मेरे को मेल आएगा। अरे यार ऐसा नहीं है, अभी तो सही है भाई, ऐसे ही था मेरा चेहरा। यार मेरे सामने का लाइट भी गड़बड़ हो रहा है, राउंडिंग राउंडिंग चल रहा है। अभी तो इतना मानना पड़ेगा कि रूम पे बैठे बैठे चेहरे का तो पता नहीं, पेट गोलगप्पे जैसा बनता जा रहा है। तो गाइस चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चार लोग देख रहे हैं, पांचवा पर्सन आ जाता है, फिर उसके बाद पूछते हैं क्वेश्चन। अभी आज का लाइव कितने टाइम का हो चुका है? 28 मिनट का हो चुका है, आधा घंटा और हम लोग खेलने वाले हैं। और सन विनर है वो भी आशुतोष ने। तो 5 लोग आ चुके हैं, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए, 20 सेकेंड का टाइम होगा आपके पास। सो क्वेश्चन है, सुमन को बर्थडे है आज। हाँ यार, मैंने फेसबुक पे देखा था लेकिन विश नहीं किया उसे, मैं अभी उसे कॉल करके विश करता हूँ। क्वेश्चन है हिस्ट्री से, सुनिए ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कहाँ बिताया चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? टाइमर स्टार्ट नाउ। टाइमर भी मैं दिखाता हूँ यार। टाइम अप, टाइम अप, अभी मैं रिप्लाई किया है। ऑप्शन केबीसी नहीं हो रहा है, के बनी करोड़पति। वैसे ऑप्शन जो है वो घट के 5 रुपए हो जाएगा, तो देखना है कौन बताता है, ठीक है? ऑप्शन सुनिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है श्रवण बेल गोला, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा ऑप्शन है कांचीपुरम, और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। अब तो जल्दी बताओ भाइयों। किसने बताया? मैंने पहले बता दिया। क्या बता दिया भैया?
अरे रिया राय कौन कौन है भाई? क्या बताया तुमने? सरवन बेला, रिया रॉय ए। रिया रॉय पहले बताइए आप कहाँ से देख रही हैं, कौन देख रही हैं या देख रहे हैं। सौरव ऑप्शन ए, मैंने पहले बता दिया। हाँ गाइस, तो मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये क्या होगा? और नहीं होगा तो होगा, बिस्किट लेता ना मिले। सो गाइस, सबसे पहले आंसर किसी ने दिया हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर, और ए सबने बताया हुआ है, सही बात है। श्रवण बेला गोला, वहाँ पे चंद्रगुप्त ने अपना लास्ट टाइम एक्सपेंड किया हुआ था। तो जस्ट जीके के लिए बता दीजिए कि किस स्टेट में अभी पढ़ता है वो। उससे पहले मैंने ऑप्शन लिख दिया था, तुमने ऑप्शन लिख दिया था उसका मतलब नहीं आंसर बता दिया है तुमने। और रिया राय ने भी राइट आंसर दिया हुआ है, सौरव ने ऑप्शन ए भी सही दिया है। तो सत्यम प्रकाश, आप जीतते हैं 5 रुपये। बहुत बहुत बधाई कि आपका खाता खुल गया, और दैट इज द राइट आंसर। ये पड़ता है एग्जैक्टली कर्नाटका में, ये मतलब एट द रेट। अरे आप पगला गए हो तुम, कर्नाटका। या एग्जैक्टली कर्नाटका। अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, 6 लोग देख रहे हैं, तो जल्दी से जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है, ध्यान से सुनिए। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? योर टाइमर स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? टाइमर चल रहा है 7 6 5 4 3 2 1 0। तो देखते हैं किसने क्या रिप्लाई किया हुआ है। अरे बंद हो जा मेरे भाई। तीन है कहान जी तेल की। अंकित ने बताया मेटा फॉर्म फिक। इतना कठिन क्यों बोल रहे हो भाई, हिंदी में बताओ ना यार। इंग्लिश में मेरे को नहीं समझ में आ रहा उसे क्या बोलते हैं। मेटामॉर्फिक। अब मुझे इंग्लिश में यहाँ इसका आंसर नहीं पता है, हिंदी में यहाँ पे पता है कि कायांत्रित। नहीं, राइट आंसर कैन कायांत्रित नहीं है, नीसियस भी नहीं है। तो गाइस मैं 10 सेकेंड का देता हूँ, आपके पास ऑप्शन होंगे तो इस बार मैं देता हूँ 10 सेकेंड, और ऑप्शन में रखता हूँ आपके सामने, देखना है कौन होता है। ऑप्शन है रूपांतरित, बी ऑप्शन है आग्नेय, सी ऑप्शन है अवसादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। योर टाइमर चल रहा है 10 सेकेंड का, देखते हैं कौन बताता है। ऑप्शन मैंने दे दिए हैं बी 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 डी। अब देखते हैं किसने बताया है। अरे यार तुम लोग सबका गलत आंसर है। पता है मैंने जब 20 सेकेंड हुआ था तो मैंने उसका आंसर बताया था, मतलब वीडियो जब बंद होगी ना, मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया कि इन लोगों को आंसर बताने के बाद भी मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ। बाइक माई बड़ी, हेलो ब्रो कैसे हो, वेलकम ऑन मिस्टर आर के लाइव, स्वागत है। कल भी नहीं आए थे आप, क्वेश्चन यहाँ पे भरमार चल रही है। क्वेश्चन था, अब इसके कोई मनी नहीं है। बस क्वेश्चन ये है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। राइट आंसर है अवसादी, लेकिन सी किसी ने नहीं बताया और सब लोगों ने अलग अलग बताया है, तो वो सही नहीं है। और इवन कि मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जब 20 दे दिया, फिर
फिर उसके बाद मैंने आपको दोबारा 10 सेकेंड दिया, तो लोगों ने मुझे ध्यान से नहीं सुना। सो दैट वॉज द राइट आंसर। अब एक हिस्ट्री का और क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान से गलेगा, और तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन जीके से रहने वाला है, तो जीके का जिसका अच्छा होगा वो बता पाएगा। क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी तत्व थोरियम किस विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? योर टाइमर स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, रेडियो धर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? टाइमर चल रहा है, 12 सेकंड हो चुका है, 11 हो चुका है, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 0। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखा ये किसने क्या बताया? दीप भाई हैं क्या? दीप भाई थे लेकिन नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन में पहली बार में नहीं बताऊंगा, दूसरी बार में बताऊंगा। और सत्यम ने बताया है फ्रांस, जो गलत आंसर है। अंकित ने बताया है स्पेन, जो वो भी गलत आंसर है। और सौरव ने बताया वो भी गलत आंसर है। अब गाइस मैं 10 सेकंड आपको दोबारा देता हूँ, जिनमें मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा और उसी 10 सेकंड में आपको रिप्लाई भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू अगेन। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इसराइल। आपका टाइमर चल रहा है। ऑप्शन ए बताया है सौरव ने, जो सही नहीं है। टाइम अप हो चुका है। सौरव ने ऑप्शन दिया है, या बाइक माय बड़ी ने बताया है भारत, वो सही आंसर है। अंकित ने बताया है इंडिया, वो भी सही आंसर है। सारे लोगों ने सही आंसर बताया लेकिन लेट में बताया, सो सॉरी फॉर। सबने सही आंसर बताया, इंडिया आंसर भारत में सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार है। चलो अगली तरफ की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा बायोलॉजी से क्वेश्चन होने वाला है, तो देखना है कौन बताता है सही आंसर। क्वेश्चन है क्या बोला? यू हैव ऑप्शन भारत नॉट इंडिया। या भाई सच में भारत ही था, इंडिया नहीं था। लेकिन आई रियली कद्र इंडिया, क्योंकि मेरे लिए दोनों सेम ही है। सो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बायोलॉजी से होने वाला है, हिंदी में क्वेश्चन है। लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? टाइमर स्टार्ट नाउ। 20, 18, 19, 17, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0। समझ गए, समझ गए। अब लेट्स सी किसने क्या आंसर दिया हुआ है। प्लीज दो बार रिपीट करो क्वेश्चन, प्लीज दो बार रिपीट करो। अस्थि माजा, एक बार में समझ नहीं आता। रेड बोन मैरो। अरे तुम लोग क्रिस मूवी देख के आए हो। अस्थि माजा, लेट्स सी अस्थि माजा। सो गाइस राइट आंसर है अस्थि माजा, जिन्होंने बताया है अंकित, अंकित ने बताया है अस्थि माजा, दैट इज द राइट आंसर। तो अंकित आप जीतते हैं 10 रुपीज। और बाइक माई बड़ी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सो सॉरी ब्रो। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को दो बार रिपीट करूँगा
फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, टाइमर चलेगा। तो अगेन आज अंकित का खाता चालू हो चुका है, आज तो जीत चुका है। फिर उसके बाद अंकित की बारी। सो अंकित 10 रुपये जीत चुके हैं, और सौरव ने बताया है रेड बोन मैरो जो क्रिस मूवी में यूज किया जाता है, और कुछ लोग जा चुके हैं छोड़ के, 4 लोग देख रहे हैं कि लगता होगा वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ओ भैया क्या हो गया जी? चलो अगला प्रश्न पूछते हैं। अच्छा ये भी सही है, रेड बोन मैरो का हिंदी नाम अस्थि मज्जा ही होता है। अच्छा तब आपका भी आंसर सही है सौरव का भी आंसर सही है, लेकिन सौरव ने थोड़ा लेट में बताया है क्योंकि ऊपर अंकित ने सबसे पहले बता दिया है, फिर उसके बाद बाइक माई बड़ी का रिप्लाई आया है, फिर उसके बाद सौरव का रिप्लाई आया है। तो मुझे इंग्लिश नाम बिल्कुल नहीं पता था, सो सॉरी फॉर माई कमज़ोर इंग्लिश। सौरव बट लेट है तुम्हारा, या एग्जैक्टली सौरव थोड़ा लेट थे। चलो ध्यान से क्वेश्चन सुनना, एक क्वेश्चन जब ध्यान से सुनोगे तभी बता पाओगे। क्वेश्चन है वन सेकेंड, हाँ क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हो बादशाहों को, तो आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको मुगल बादशाहों का सही क्रम बताना है, मुगल बादशाहों का सही क्रम बताना है। योर टाइमर स्टार्ट नाउ। सही नाम बताना है, मुगल बादशाहों का सही क्रम में नाम बताना है। टाइम अप, सो गाइस टाइम खत्म हो चुका है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। किसने बताया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अच्छा 2 लोगों ने सही आंसर बताया है, बट बेड न्यूज़ की आप लोगों ने लेट में बताया है, तो आप अगर टाइम खत्म हो जाता है तो उस टाइम रिप्लाई मत दीजिए, और जब मैं नेक्स्ट सेशन देता हूँ 10 सेकेंड का, जिनमें मैं आपको ऑप्शन भी बताता हूँ, तो उस टाइम पे इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो अभी दोनों ने सही जवाब दिया है, बट टाइम अप होने के बाद तो आपको क्या करना है अंकित भाई? अच्छा आपने टाइम के अंदर लिखा होगा, बट यहाँ पे टाइम के बाद आया था, जब घंटी बज गई थी उसके बाद। तो ठीक है, अगर इतना बड़ा आंसर हो था, हाँ ये तो है, लिखने में टाइम तो लगेगा, चीटिंग है भाई। अच्छा ठीक है, अगर विनर होंगे तो चलो इस पे 5 रुपीज देते हैं, और अंकित सागर सबसे पहले रिप्लाई किया हुआ था, तो अंकित को अब लॉन्ग टाइप का आंसर 20 सेकेंड। कैसे? ओके ओके, तो अंकित सागर ने सबसे पहले बताया हुआ है, अभी आप देख सकते हो चैटिंग में, तो अंकित सागर को 5 रुपीज इस क्वेश्चन का। अंकित सागर के बाद बाइक में बड़ी ने बताया है। यहाँ पे चैटिंग में देखना अंकित का सबसे ऊपर है, उसके बाद बाइक में बड़ी का है, तो कोई नहीं दोनों 5-5 रुपए ले लेना। ठीक है, होप कि आपको दिख गया होगा।
अभी हाँ, ये मेरे सामने ऐसे इसी तरह से आया हुआ था और इवन सबका टाइम खत्म होने के बाद आया था। दोनों पास पास लेना, क्या बोलूँ मैं। दोनों ने दो, क्योंकि हो सकता है भाई दोनों ने सेम टाइम पे टाइम किया हो, तो मुझे जो दिखने का क्रम होगा अगर 5 सेकंड पे आया तो आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। तो चलो आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न पूछते हैं। 15 मिनट और खेलने वाले हम लोग। हाँ, वो आप में इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि हम लोग जब अपने में कुछ टाइप करेंगे ना तो सबसे पहले वही चीज़ दिखती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ हेलो, तो देखो मेरे साइड हेलो सबसे पहले दिख रहा है। कोई भी टाइप करेगा तो सबसे स्टार्टिंग में वही दिखता है अपना वाला। अब अगला प्रश्न आ रहा है, साइंस के ऊपर आ रहा है। बट गाइस अभी 4 लोग देख रहे हैं, नीड 5 पीपल। 5 लोग देखते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। रामकेश, पहले किसका किसने क्या टाइप टाइप ओके okay. तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन में तब तक रख लेता हूँ। 5 लोग होते ही मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन होने वाला है साइंस के ऊपर। और आई थिंक सबने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा और 11th 12th में भी पढ़ा होगा। अच्छा बाइक माई बड़ी, ये यूट्यूब वाला साइन कैसे आता है यार? मैं भी चैटिंग करता हूँ, आपने उस दिन किया था, मैं सर्च कर रहा था। इमोजी यहाँ से आती है, लेट्स सी। ओ या सही है, काफी कुछ यहाँ से सेंड कर सकते हैं, पूरा चैटिंग का व्यवस्था है यहाँ पे। सब लोग यूट्यूब यूट्यूब। सब लोग क्या क्या भेज रहे हैं, दूध, यूट्यूब, मैंने उल्लू भेज दिया इंस्टेंट मैंगो ने। गुड, अभी तो इस टाइम कितनी भूख लगी, इस टाइम मैं बिस्किट खा रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं है इसलिए। अरे यार, एक गलत टाइम पे लोग कॉल क्यों करते हैं यार मुझे, सत्यम प्रकाश, जब लोगों को पता है इस टाइम में मैं काम करता हूँ। घर से कॉल आ रहा है तो अभी हम लोग खेलते हैं, फिर उसके बाद घर वाले समझते नहीं यार कि इस टाइम पर मिस्टर आर के लाइव कर रहे हैं। तो गाइस 5 लोग हो चुके हैं, लेट्स आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जल्दी से बताना द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? योर टाइमर स्टार्ट नाउ। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? 2 बार क्वेश्चन मैंने बोल दिया, जल्दी बताना। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? टाइमर चल रहा है, 10 सेकेंड, 7 सेकेंड और बचे हुए, जल्दी। बाइक माई बड़ी ने सबसे पहले रिप्लाई कर दिया है, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। सो गाइस गाइस गाइस, लेट्स सी किसने क्या रिप्लाई किया हुआ है। बाइक माई बड़ी खेल से, और खेल 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 स्पोर्ट्स, तो सबसे पहले बाइक माई बड़ी ने बोला हुआ है, तो बाइक माई बड़ी यू वॉन्ट 10 रुपीज।
बाइक माई बर्थडे 10 रुपीज। तो बाइक माई बड़ी ने बताया और अभी टाइमर कितना सही चला है और सारे लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। सत्यम ने भी, सत्यम ने क्या बोला है भाई, खेल खरल सही नहीं लिखा है तुमने, स्पोर्ट्स। अरे हाँ तुम्हारे 15 हो गए यार, मैं तो भूल गया था, मैंने तुम्हारा 10 ही लिखा हुआ है। बाइक माई बड़ी, सॉरी। अंकित का भी तो 15 हो गए, अंकित का भी 15 हो गए। अंकित का भी 15 हो गए और तुम्हारे भी 15 हो गए, सही है। तो अभी 4 लोग देख रहे हैं। नीड 5 पीपल टू मूव फर्दर, और 5 वाला मुझे भूल गया था यार, तुम लोग बड़े चालू लोग हो। खाओ बिस्कुट, भूख को मिटाओ। यो यो यो, अच्छा 20 मिनट रुक जा, रह गया थोड़ा थोड़ा। अभी कैसा चल रहा है? अभी 4 लोग देख रहे हैं। नीट 5 पी, 5 लोग आ जाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ कॉल आया था, कॉल आया था, भैया का कॉल आया था, शायद इसकी वजह से हुआ था। एक्चुअली मैं घर वालों को नहीं मालूम होता है कि हम लोग क्या क्या करते हैं। घर वालों को बस इतना पता है कि हम लोग बाहर गए हैं, जॉब कर रहे हैं, और दिन भर जॉब करते हैं, रात में आराम से खाली बैठे रहते हैं। बट हम लोग खाली नहीं बैठते हैं, वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंटरप्रेनर, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। तो ये ऑफिस का काम करने के बाद, 9.5 घंटे के आसपास जॉब करने के बाद, हम लोग और भी चीज़ें कर लेते हैं। साइंस रिलेटेड आने वाला है तो ध्यान से खेलिए और क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? योर टाइमर स्टार्ट नाउ। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? टाइमर चल चुका है दोस्तों। 16, 13, 12, टाइम चल रहा है, जल्दी बताओ, 10 सेकेंड है। पानी के लिए बाइक माई बड़ी ने बताया, समुंदर। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो अभी आया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मॉइस्चर। सो गाइस, सारे लोगों ने जवाब दिया हुआ है। सबसे पहले रिप्लाई आया है बाइक माई बडी का, पानी के लिए, समुंदर, जो राइट आंसर नहीं है। अंकित ने उसके बाद बताया है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद मॉइस्चर बोला है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि राइट आंसर इज रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन्होंने प्रकीर्णन बताया हुआ है। तो अभी किसी का सही नहीं है, रिफ्रैक्शन इनका सही है, अंकित ने सही आंसर दिया हुआ है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकीर्ण, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई पड़ता है। तो ये भी अंकित अगेन 10 रुपीज़ जीत चुके हैं। तो अगेन अंकित ने टोटल जीत लिया है 25 रुपीज़।
वाओ वाओ वाओ, बट गाइस कल अंकित के कुछ ज्यादा दोस्त खेल रहे थे, आज अंकित के मतलब अंकित ने मैसेज भी डिलीट कर दिया है अपना। मैं हूँ गोरखपुर से, मेरा घर है गोरखपुर में, रहता हूँ जयपुर में, और जो सत्यम है, जो विटी सैटी है विफ्ट, वो है पटना से। हाँ आजकल भाई लोग पबजी खेल रहे हैं पूरा, पबजी वाले पैसे देते हैं क्या खेलने के? वो तो और आपसे लेते हैं, कोई परचेज करते हो तो उनको डायरेक्टली पैसे मिलते हैं। भाई मेरा क्यों बता रहे हो? अरे तुम्हारे घर थोड़े जा रहा है रहने के लिए। हाँ तो सत्यम भी पटना से ही है, और कल जितने सारे लोग देख रहे थे ज्यादातर लोग पटना से ही थे, पटना मतलब पटना बिहार से। सत्यम तुम्हें पैसे मिले कि नहीं? वो बिहार सरकार सबको पैसे दे रही थी, जो लोग पटना में रहते हैं उनको 500, और जो लोग पटना के बाहर रहते हैं उनको 1,000। देखो अब इनकी दोस्ती होगी, भरत मिलाप होगा। पटना से जहाँ गौतम बुद्ध का मंदिर है वहीं पे, जस्ट जोकिंग। वाह राम जी, कौन बोल दिया तुमको? सो गाइस आज का लाइव हम लोग 1 घंटे का कंप्लीट कर चुके हैं, तो कल मिलेंगे हम लोग, कल और खेलेंगे। तुम दे रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी आज का लाइव हम लोग कंप्लीट करते हैं, और गाइस आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ज्वाइनिंग मी, और मेरे कुछ ब्लॉग भी जाके देख लेना। लाइव तो देखने के लिए आप लोग आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवा आज मेरा फर्स्ट सेशन है। ओ देवा, तो देवा कहाँ थे देवा आप इतने टाइम तक? हाँ मेरा अंकित का नंबर है मेरे पास, आपको ट्रांसफर हो जाएगा पैसे लाइव कंप्लीट होने के 30 मिनट के अंदर। अगर 30 मिनट के अंदर नहीं गए तो पैसे डबल। जस्ट जोकिंग। और मेरे ब्लॉग भी जाके देख लेना अंकित, होप कि आपको पसंद आएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तब भी शेयर करना। और देवा देवा आज कहाँ से देख रहे हो आप? देवा पहली बार आई थिंक आए हो आप मेरे सेशन में, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और आप 8 साढ़े 8 बजे के बीच में ज़रूर आइए देवा जी, हम लोग यहाँ पे लाइव सेशन करते हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही आंसर देने वाले को मिलते हैं पैसे। लाइक आज अंकित ने जीते हैं 25 रुपीज़, बाइक माई बड़ी ने देखा है 15 रुपीज़, और सत्यम आज तुमने भी जीता है यार, आशुतोष ने जीता है 10 रुपए, और सत्यम का मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा झारखंड से हो आप, बोकारो का नाम नहीं सुना है बट झारखंड तो मैं जानता हूँ। सुनील सुमन मेरे दोस्त हैं, वो भी झारखंड से हैं, हजारीबाग आपने नाम सुना होगा, हजारीबाग। सत्यम आज तुमने जीता है कि नहीं जीता है मुझे याद नहीं आ रहा यार, शायद मुझे लगता है कि सुनील का नंबर दे दो। हाँ तो सुनील और सुमन मेरे दोस्त हैं, हजारीबाग के हैं दोनों, को दोनों वहीं के हैं। तो आप किस तरह से, मतलब किसी ने बताया आपको कि हम लोग यहाँ पे लाइव करते हैं? क्या मन है तो दे दो वरना कोई ना। सर इंस्टाग्राम की बता दो, इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर लेना रामकेश सिंह। अरे सत्य मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि आज तुमने जीता है कि नहीं जीता है, और आईडी है मिस्टर आर के
ब्लॉग। और मेरा ब्लॉग ऐसा होता है कि आप लोग अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, तो सब लोग इंजॉय करेंगे। तो आप अपने फैमिली से कनेक्ट कराओ ताकि मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर, एक ब्लॉगर बन के आऊँ, ताकि मैं भी अपना नाम रोशन करूँ, अपने सपनों को पूरा करूँ। तो गाइस सब लोग इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लेना और कोशिश करना कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर इस वीक में कंप्लीट हो जाएं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे गिव अवे, और गिव अवे में उसको सबसे ज़्यादा मिलने के चांस ज़्यादा होंगे जिसने ज़्यादा प्रमोशन किया होगा मेरे चैनल का, चाहे सोशल मीडिया हो या अपने दोस्तों के माध्यम से। तो बाय बाय अंकित अभी के लिए, क्योंकि तुम पैसे का इंतजार कर रहे होगे। और सत्यम ने आई थिंक 5 रुपये जीता हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें उसने बताया था सेकेंड राउंड में। क्या क्वेश्चन था? कुछ तो था। चला जाता है। ओके ओके याद आ गया, सत्यम ने क्वेश्चन का आंसर बताया था, वो जो कर्नाटका वाला था, चंद्रगुप्त वाला। याद आ गया सत्यम, मैंने देख लिया पूरा। या सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल 8 बजे, 8:30 बजे अपने दोस्तों के साथ आइए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि थोड़ा और कंपटीशन बढ़े, और जितने लोग रहेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।